गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट, TEC। ठीक है, इससे पहले हम लोग TRC पढ़े थे। तो टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट का हमने डिफिनेशन दिया है। डिफिनेशन क्या दिया है कि द रेड सेल काउंट इज डिफाइंड एज द डिटरमिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ RBC पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड। ठीक है, मेथड क्या है मेरा? हेमोसाइटोमेट्रिक मेथड है, यानी मैनुअल हम करेंगे, मैनुअली करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमको टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट में, कि जब हम होल ब्लड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं RBC डाइलेटिंग फ्लूड से। RBC डाइलेटिंग फ्लूड मेरा दो तरह का यूज होता है, वो हम आपको बताएंगे अभी फर्दर। ठीक है, डेसिस फ्लूड और हैंस फ्लूड है। तो ये डेसिस फ्लूड हैंस फ्लूड में जो मेरा डेसिस फ्लूड है ये कॉमनली यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये डेसिस फ्लूड लिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट प्रिजर्व द RBC। इसका जो कंपोजिशन है, इसके कंपोजिशन में एक है आपको ट्राइसिडियम साइट्रेट एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो इसमें जो ट्राइसिडियम साइट्रेट है वो वर्क करता है एज एंटीकोगुलेंट, और फॉर्मल्डिहाइड मेरा है वो क्या वर्क करता है, प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। तो क्या होता है, द ब्लड स्पीसीमेन इज डायल्यूटेड इन 1:200 डायल्यूशन विथ RBC डायलेटिंग फ्लूड एंड सेल्स आर काउंटेड अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग जो ब्लड स्पेसिमेन को डायल्यूट करते हैं कितना में, 200 का डायल्यूशन होता है। मेरा RBC पिपेट का डायल्यूशन भी 200 का होता है, वो उसको भी बताएंगे आपको। ठीक है, और इसको हम रिपोर्ट कर देते हैं। कैसे रिपोर्ट करते हैं, नंबर ऑफ रेड सेल पर क्यूबिक mm ऑफ होल ब्लड। ठीक है, तो RBC डायलेटिंग फ्लूड का हमने बोला दो तरह का है, ये टू टाइप्स है, वो क्या क्या है, तो डेसिस फ्लूड और हैंस फ्लूड। दोनों का कंपोजिशन हमने बताया है कि डेसिस फ्लूड का कंपोजिशन क्या है, ट्राइसोडियम साइट्रेट 3 ग्राम, फॉर्मल्डिहाइड जो कॉमर्शियल फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर हम लोग फॉर्मलिन भी बोलते हैं, 40% फॉर्मलिन। ठीक है, तो 1 ml एंड डिस्टिल वाटर अप टू 100 ml। ये क्या है मेरा, हम लोग ज्यादातर कॉमनली यूज करते हैं और ये सस्ता है, इट इज चीप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा डाल्टिंग फ्लूड देख लेते हैं, RBC का क्या है, तो वो हैंस फ्लूड है। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसका कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम, मरकरी क्लोराइड 0.25 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml। डिस्टिल वाटर में हम इस सबको डिजॉल्व करते हैं टू मेक द फाइनल वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, ठीक है, तो अब इस टेस्ट के लिए हमको सैंपल क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, कितना चाहिए, तो वो 20 माइक्रोलीटर ब्लड चाहिए। हम मेडिटेट ब्लड यूज कर सकते हैं, कैपिलरी ब्लड और डबल आउटलेट ब्लड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, डबल आउटलेट। ठीक है, रिक्वायरमेंट इस टेस्ट के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत है, तो माइक्रोस्कोप चाहिए, इम्प्रूव्ड न्यूअर चेंबर चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, RBC पिपेट चाहिए, टेस्ट ट्यूब रैक। ठीक है, ये सब चाहिए हमको इस टेस्ट के लिए। तो अभी हम आपको बताएंगे इम्प्रूव्ड न्यूअर चेंबर। इससे पहले वीडियो में भी हमने आपको फोटो दिखाया था इम्प्रूव्ड न्यूअर चेंबर का, कवर स्लिप और RBC पिपेट। हम अभी आपको तीनों का फिगर दिखाते हैं। इम्प्रूव न्यूअर चेंबर है, ठीक है, इसमें जो डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ द काउंटिंग चेंबर क्या होता है, 0.1 mm, इससे पहले भी आपको बताए थे। ठीक है, हम लोग इसको TLC टोटल लिकोसाइट काउंट, TEC टोटल लिकोसाइट काउंट, टोटल प्लेटलेट काउंट, स्पर्मेटोज काउंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या, RBC पिपेट। ठीक है, RBC पिपेट में क्या होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, जीरो मार्किंग है, क्या है, तीन मार्किंग, 0.5, 1 एंड 101। इसमें जो डायलेशन होता है मेरा कितना का होता है, तो 200 का डायलेशन होता है। इसमें क्या है, जो बल्ब है, बल्ब का साइज WBC पिपेट से बड़ा होता है, और इस बल्ब के अंदर रेड बीड है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है। ठीक है, तो और ये रबर ट्यूब लगा हुआ है माउथ पिपेटिंग के लिए। ठीक है, प्रोसेस में बताएंगे क्या कर रहे हैं हम, 0.5 मार्क तक ब्लड ड्रॉ करेंगे, इसी पिपेट पे फिर क्या करेंगे, 101 मार्क तक, यहाँ पे मेरा 101 मार्क तक क्या करेंगे, RBC डायलेटिंग फ्लूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर मिक्स करेंगे इसको, हॉरिजेंटली हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम प्रॉपर मिक्स करेंगे। ये कवर स्लिप है, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम कोई भी सेंट्रीफ्यूगल डिपॉजिट होगा या फिर हम लोग टोटल लिकोसाइट काउंट, एरिथ्रोसाइट काउंट जितने भी हैं, इसमें क्या करते हैं, कवर स्लिप इसको प्लेस करते हैं ऊपर से। तो ये इसका दो तरह का होता है, आपको इसका साइज 16x22 mm एंड 22x23 mm। ठीक है, प्रोसेस में क्या करते हैं, 0.5 मार्क तक RBC पिपेट में हम क्या करते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं, और उसके जो बाहर जो लगा रहता है, ठीक है,
तो उसको क्या करते हैं, केयरफुली हम उसको वाइप कर लेते हैं आउटसाइड द पिपेट, जो मेरा लगा रहता है ब्लड उसको वाइप कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा आरबीसी काउंट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको केयरफुली वाइप करना होता है, एंड देन क्या करते हैं उसको, फिर उसी पिपेट में हम लोग 101 मार्क तक आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड ड्रॉ करते हैं। अभी आपको बताया था आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड हम क्या करते हैं, डेसीज फ्लूड, क्योंकि कॉमनली यही यूज करते हैं, तो डेसीज फ्लूड हम 101 मार्क तक ड्रॉ कर लेते हैं। और उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं 5 मिनट तक। उसके बाद 5 मिनट बाद क्या करते हैं, आफ्टर 5 मिनट हम डिस्कार्ड करते हैं, कुछ ड्रॉप डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। और सेंट्रली हम क्या करते हैं, कवर स्लिप प्लेस कर देते हैं न्यूबर चैम्बर पे, काउंटिंग चैम्बर पे। उसके बाद जो डायलुटेड ब्लड मेरा रहता है, ठीक है, जो मेरा बल्ब पे रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, ठीक है, किस पे, न्यूबर चैम्बर पे। और मेरा कवर इस क्या करता है, कैपरी रिएक्शन से उसको खुद ड्रॉ कर लेता है। फिर इसको 1 से 2 मिनट हम छोड़ देते हैं प्रॉपर सेटलमेंट होने के लिए, सेल के सेटलमेंट होने के लिए। देन फिर काउंटिंग चैम्बर को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे हम ले जाते हैं और उसमें देखते हैं, फोकस करते हैं। फोकस करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 10x पे करते हैं और लाइट एडजस्ट करते हैं। लाइट एडजस्ट करने के बाद क्या करते हैं, आरबीसी चैम्बर पे फोकस करते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर जब हमको सेल काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं उसको टर्न कर देते हैं हाई पावर ऑब्जेक्टिव में, यानी 40x में। लो पावर ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, 10x है, और हाई पावर ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, 40x। सेल को काउंट करते हैं हम लोग 40x पे, यानी हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसमें जो आरबीसी चैम्बर है उसमें क्या देखते हैं, 25 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर आरबीसी चैम्बर पे, और ईच स्क्वायर कंटेन 16 स्मॉल स्क्वायर, यानी कि मेरा क्या होता है, 25 स्क्वायर आरबीसी चैम्बर में होता है टोटल स्क्वायर। अब उसमें फिर 1 स्क्वायर में, ये जो 25 लार्ज स्क्वायर है, इस लार्ज स्क्वायर में 1 स्क्वायर कितना कंटेन करता है, 16 स्मॉल स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 4 कॉर्नर स्क्वायर और 1 मिडिल स्क्वायर काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 5 लार्ज स्क्वायर काउंट करना है। किस तरह से काउंट करना है, सच काउंटिंग सच इज 4 कॉर्नर स्क्वायर एंड 1 मिडिल स्क्वायर। 4 कॉर्नर स्क्वायर, 1 2 3 4, ये दीज आर द कॉर्नर स्क्वायर एंड दिस वन इज द मिडिल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 1 स्क्वायर कितना कंटेन कर रहा है, 16 स्मॉल स्क्वायर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्मॉल स्क्वायर कंटेन कर रहा है। तो इस तरह से सारा स्क्वायर मेरा कितना कर रहा है, 16 स्मॉल स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, सारे स्क्वायर कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमको काउंट करना 4 कॉर्नर स्क्वायर करना, 1 2 3 4 एंड 5, 4 कॉर्नर स्क्वायर और 1 मिडिल स्क्वायर, सबको नहीं काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला दिए हैं, ठीक है। और ये मेरा सेल्स जो आरबीसी वो कैसा अपीयर होगा, तो वो सर्कुलर आएगा, इससे सर्कुलर रहेगा, ठीक है, सर्कुलर अपीयर होगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर अपीयर होगा। अब कैलकुलेशन इसके लिए क्या है, x into 10,000, ठीक है, वेयर x इज द नंबर ऑफ आरबीसी, जितना हमने काउंट किया नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड जितना है वो। तब हम इस कैलकुलेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे एक्स इंटू 10,000 आया। तो देखते हैं इस आरबीसी चैम्बर का पूरा जो मेरा लेंथ है पूरे चैम्बर का, ठीक है, जिसमें 25 टोटल लार्ज स्क्वायर है। तो इसमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ स्क्वायर का तो सेम होता है। तो लेंथ मेरा क्या है, 1 mm टोटल लेंथ, 1 mm ब्रेथ, ठीक है। तो अब मेरा कितना है, ये इस एक लार्ज स्क्वायर को हमको देखना है, तो इसको हम 1/5 mm लिख सकते हैं, दिस वन इज 1/5 mm, ये अकेले 1/5 mm है, ये भी 1/5 mm, सब ऐसे ही 1/5 mm होगा, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 1/5 mm, ये भी सब 1/5 mm। को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 mm लिख सकते हैं। तो लेंथ, अब हमको एरिया काउंट प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर होल ब्लड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूशन डिवाइड बाय एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर। हमको इसमें दो चीज मालूम है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड नहीं मालूम है, एक्स हमने इसको माना, डाइल्यूशन हमको आरबीसी पिपेट का मालूम है कितना होता है, तो वो 200 होता है। डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर मेरा कितना है, 1/10 mm, यानी 0.1 mm, ठीक है। अब एरिया काउंटेड, एरिया काउंटेड 1 स्क्वायर का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 1 स्क्वायर का क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया काउंटेड ऑफ 1 स्क्वायर
क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मेरा कितना 1/5, यानी 1/5 को हम 0.2 × 0.2 ये मानेंगे, एक स्क्वायर का मेरा कितना 0.04 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 5 स्क्वायर का करना है, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब एरिया काउंटेड ऑफ 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, एक स्क्वायर का 0.04, तो 5 का कितना हो जाएगा, इस तरह से मेरा हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे वैल्यूज, फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यूज। नंबर ऑफ सेल काउंटेड कितना माना, एक्स है, डायलूशन मेरा कितना है 200, और एरिया काउंटेड कितना हो गया मेरा, टोटल एरिया काउंटेड इतना mm² हो गया मेरा। तो ये मेरा क्या हो गया 0.2, डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर 0.1, ये डेसिमल जाएगा, एक जीरो आएगा, ये डेसिमल जाएगा, ये एक जीरो आएगा, 2, 10, तो एक्स इंटू 10,000, ये हमने प्रूफ कर दिया, दिस वन इज प्रूफ। ठीक है, इसको समझना है बहुत आसान है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे टोटल लेंथ हमको मालूम है 1/1 mm है, टोटल ब्रेथ मेरा क्या है 1 mm है, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर का निकाल ले, तो 1/5, क्योंकि 5 स्क्वायर है। ठीक है, जैसे सपोज हम मानेंगे कि एक फादर को 100 रुपीज है, उसको 5 बेटा है, तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली, तो 20-20 रुपए का, या फिर हम लोग इसको क्या करेंगे 100 / 5 कर लेंगे, तो मिल जाएगा हमको वैसे ही है 1/5, 1/5, और 1/5 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। तो एरिया हम निकल जाएगा मेरा 0.2 mm², नंबर ऑफ सेल काउंटेड एक्स, 200 डायलेशन हो गया, डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर, तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसके पहले एक और चीज है आपको, बल्क डायलेशन हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। अगर आपके पास क्या है आरबीसी पिपेट नहीं है, तो बल्क डाइल्यूशन में कैसे हम लोग, आरबीसी पिपेट नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे 20 माइक्रोलीटर हम लोग क्या लेंगे, होल ब्लड लेंगे, WB लेंगे होल ब्लड, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड मेरा कितना हो जाएगा 3.98 ml, कितना 3.98 ml, ये मेरा डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो जाएगा। तो ये हम लोग बल्क डाइल्यूशन, अगर मेरे पास जब आरबीसी पिपेट नहीं है तो हम लोग अनदर पिपेट से क्या करेंगे 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, यानी 0.02 ml भी बोल सकते हैं इसको, ब्लड लेंगे और 3.98 ml डाइल्यूटिंग फ्लूड लेंगे, मेरा डाइल्यूशन कितना का हो जाएगा 200 का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगर आरबीसी पिपेट नहीं है तो हम ऐसे भी डाइल्यूशन बना सकते हैं। इससे पहले हम लोग जब TLC पढ़े थे उसमें एक चीज बताया था आपको कि जब लिकीमिक कंडीशन होगा, जब TLC काउंट बहुत ज्यादा हाई होगा, तो हम लोग क्या करते हैं आरबीसी पिपेट यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्स इंटू 50 की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि WBC पिपेट से मेरा जो आरबीसी पिपेट का डायलेशन है वो क्या है 10 टाइम्स ज्यादा है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा एक्स इंटू 500 हो जाएगा लिकीमिक कंडीशन में, वह TLC इज वेरी हाई। हम लोग नॉर्मल रेंज देख लेते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होता है, मेल में ज्यादा होता है फीमेल के कंपेरिजन में, तो नॉर्मली क्या है फोर मेल में 4.526 mL/cu/mm ऑफ आरबीसी। ठीक है, फीमेल में क्या 3.8 से लेकर के 5.4 mL/cu/mm। ठीक है, इसको मिलियन को हम लोग क्या रखेंगे 10^6। ठीक है, यहाँ ये भी ऐसा लिखा रह सकता है आपको। और बर्थ के केसेस में क्या होता है, इन्फेंट में बहुत ज्यादा हाई होता है, फिर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक है कम होते जाता है, तो वो क्या है 6.5 to 7.25 mL/cu/mm। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं, इरिथ्रोसाइटोसिस कब बोलेंगे, जब मेरा क्या टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट क्या होगा हाई होगा, हाई होगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोसिस। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन जिसमें इरिथ्रोसाइटोसिस होता है, तो वो है पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, हेमोकंसेंट्रेशन, हेमोकंसेंट्रेशन डी टू बर्न और डिहाइड्रेशन, इम्फाइसेमा एक तरह का रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, क्रोनिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, अब इरिथ्रोसाइटोपिनिया कब बोलेंगे, जब मेरा टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा, एक तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं एनीमिया बोलेंगे इसको, ठीक है, कि ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस दैट इज एनीमिया। हेमोडायलिशन दूसरा कंडीशन है, वो कौन सा, तो प्रेगनेंसी के केसेस में। ठीक है, थैंक यू।